वह तुम्हें तोड़ना चाहते हैं। अब सावधान हो जाइए, क्योंकि कोई आपकी दिव्य शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए आपको वश में करने का पूरा प्रयास कर रहा था, और अब आप सच्चाई से अवगत हो चुके हैं। आपके आभा मंडल को देखकर आपको गलत विचारों में घेरने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन आप पर परमेश्वर की असीम कृपा बरस रही है। आपने अपनी बहादुरी से उसका सामना किया, और इसमें आपके भाग्य ने भी आपका बहुत ज़्यादा साथ दिया। उन गलत विचारों का अंत अब हो चुका है। आपके विश्वास की ही तो जीत हुई है। आपको विश्वास था ईश्वर हर पल आपके साथ ही खड़ी है, और सत्य की जीत निश्चित ही है। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? ऐसा लगता है जैसे तुम मायूसी की चादर ओढ़ मुस्कुराने का प्रयास कर रहे हो। तुम इतने चिंतित आखिर क्यों हो रहे हो? ऐसा क्या प्रश्न है जो तुम्हें भीतर से विचलित कर रहा है? धर्म को जानते हुए भी तुम स्वयं को क्यों इतना विवश और हारा हुआ समझ रहे हो? मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में जब जब धर्म की हानि होती है और ऐसा लगता है कि अधर्म जीतने वाला है, तो उन सभी लोगों को जो बुरे कर्म करते हैं, उन्हें एक पल ऐसा लगता है कि वह जीत रहे हैं और संसार उनके नियंत्रण में है। अब कोई भी उनसे ऊपर नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ धर्म का पालन करने वाले स्वयं को विवश और हारा हुआ महसूस करने लगते हैं, किंतु प्रकाश की एक ज्योति उनके मन को बार बार यह ज्ञात करवाती है कि सत्य कुछ समय के लिए छुपाया जा सकता है, किंतु पराजित नहीं किया जा सकता है। सूर्य के प्रकाश के समान यह सत्य छुपाया नहीं जा सकता है। मेरे प्रिय, याद रखो, तुम हारे नहीं हो, केवल मार्ग से भटके हुए हो, किंतु अब मैं स्वयं ही तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें आगे की ओर लेकर जा रहा हूँ। यह जो कली की शक्तियाँ हैं, वह पार पार तुम्हें उस दलदल में लाने का प्रयास कर रही है जहाँ तुम जाना नहीं चाहते हो। नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारी हिम्मत को तोड़ना चाहती है मेरे बच्चे, किंतु तुम्हें स्मरण रखना है, तुम शेर के बच्चे हो। तुम्हें ऐसे भेड़ियों से भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं। मैली तो अब उन पापियों को होना पड़ेगा जो स्वयं को ऊंचा समझते हैं, जिसे हर वस्तु और हर एक व्यक्ति में ईश्वर ही दिखाई देते हैं। भला वह कभी किसी मार्ग से भटक सकता है जो उस परम शक्ति को नहीं भूल पाता है? तो वह शक्ति उसे कैसे भूल सकती है? तुम भोले ही संसारिक चक्र में फंस गए हो, भले ही स्वयं को
साधारण मनुष्य समझ रहे हो, किंतु तुम मेरे ही हृदय में निवास करते हो। मेरा चिंतन ही तुम्हें इस संसार में श्रेष्ठ बनाता है। जैसे काले बादलों के बीच सूर्य कुछ क्षण के लिए अदृश्य हो जाता है, किंतु विलुप्त नहीं हो पाता है। मेरे बच्चे, ठीक इसी प्रकार अभी जो तुम महसूस कर रहे हो, वह घने काले मेघ अधर्म के हैं, किंतु वह जल्द ही हटने वाले हैं। यह अंधकार केवल कुछ क्षण के लिए है, किंतु यह अंधकार सत्य छुपाया नहीं जा सकता। अंधकार तुम्हारे जीत को छुपा नहीं सकता। तुम फिर एक बार अपनी शक्तियों को एकत्रित करके सत्य के प्रकाशित करोगे। मेरे प्रिय, तुम इस संसार में जीतने के लिए आए हो। हार तो कोई भी विकल्प नहीं उठता। तुम तो केवल जीत के ही आए हो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। जिस पर मैंने अपना समर्थन दिया हो, जिसे मैंने अपने हृदय में उतारा हो, उसे भला कोई कैसे पराजित कर पाएगा? कोई चाहे कितने ही संघर्ष क्यों ना कर ले, चाहे कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रचा ले, पर तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। उसे नहीं हरा सकता जिस पर मैंने हाथ रखा हो, और तुम तो मुझे अत्यंत प्रिय हो। 111 के साथ लिखे परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर को लेकर तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसे पूरा पढ़िए। यदि आप इस वक्त उलझनों में फंसे हुए हैं और सही मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में बैठे हैं, तो यह आपके लिए ही है। 333 के साथ लिखे उपचार रूपी आशीर्वाद का ग्रहण करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इतने चिंतित क्यों होते हो? क्यों तुम दुखी हो जाते हो? जबकि तुम सत्य जानते हो कि सत्य क्या है। तुम्हारे हृदय में तुम्हें बार बार सही सलाह दे रहा है, पर तुम अपने हृदय और हट से उलझे हुए हो। तनिक रुको और अपने मन की पुकार सुनो। तुम्हें अभी आराम की अनुभूति होने लगेंगी। मेरे प्रिय, अभी तुम जिस परिस्थिति में हो, वह अस्थाई है। इसका तुम्हारे भविष्य से कोई भी संबंध नहीं है। इसीलिए वर्तमान स्थिति को बार बार भविष्य में कल्पना मत करो। वास्तव में समस्या उतनी बड़ी नहीं है, जितना तुमने अपने विचारों से उसे बना लिया है। यदि तैयार है तो पुष्टि करने के लिए यस अवश्य लिखे कि मैं तैयार हूँ। परमात्मा कहते हैं, जब तुम प्रश्न करते हो, यह कैसे होगा, यह संभव नहीं है अथवा यह नामुमकिन है, उस वक्त मैं तुम्हारे भविष्य में उस घटना को होते हुए देखकर मुस्कुरा रहा हूँ। जहाँ तुम एक उत्साह के साथ अपने सभी कार्य को प्रसन्न होकर कर रहे हो, जहाँ तुम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो,
तुम्हारे जीवन में बहुत प्रेम और खुशियाँ हैं। तुम अपने ही सपनों के घर में निवास करते हो। तुम्हारा निवास स्थान प्रकृति की गोद में सुंदर है। 111 अंक लिखे और इसी क्षण अपनी कोई भी इच्छा प्रफुल्लित मन से ब्रह्मांड में प्रकट करे। मेरे प्रिय, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और तुम्हारे समान में वृद्धि हो रही है। तुम अपने जीवन में सफलता के नए स्तर को स्थापित कर रहे हो। तुम्हारे ऐसे भविष्य को देखते हुए जब मैं इतना मुस्कुरा रहा हूँ, तब तुम क्यों प्रसन्न नहीं होते? मेरे साथ ऐसा कब होगा? क्यों प्रश्न करते हो? मेरे बच्चे, धैर्य धारण करो। तुम्हारी सभी चिंताएं व्यर्थ की हैं, जिसके कारण तुमने अनावश्यक तनाव अपने सिर पर रखा हुआ है। अब स्वयं को इससे मुक्त करने का उचित समय है। इसीलिए अंक 6-6 के साथ परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करें और मुक्त हो जाए हर चिंताओं से, क्योंकि तुम्हारा भविष्य खुशियों से परिपूर्ण है। मेरे बच्चे, प्रसन्नता तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि भीतर ही विद्यमान है, क्योंकि तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो। जब तुम निराश हो, तब प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब तुम प्रसन्न हो, तब भी प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसका अर्थ है, जितने भी परिवर्तन तुम अनुभव या महसूस करते हो, वह तुम्हारे भीतर ही हो रहे परिवर्तन के हैं। तुम्हें आनंद को महसूस करने के लिए तुम्हारी प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं है, वह तुम्हें अपने ही भीतर से प्राप्त होंगी। मेरे बच्चे, कभी कभी हम स्वयं को इतना विवश, हारा हुआ, निराशा महसूस करते हैं कि अपना ही अस्तित्व भूल जाते हैं। यह भी भूल जाते हैं कि हम ईश्वर की इच्छा से ही निर्मित हुए हैं। हम यह भूल जाते हैं कि अनेक शक्तियों से सुशोभित सातों चक्र हमारे ही शरीर में उपस्थित हैं। मूलाधार शस्त्र से सहस्त्र चक्र, पाताल से स्वर्ग तक चूरने की ऊर्जा शक्ति हमारे ही तो भीतर विराजमान। हम इस बात को भी भूल जाते हैं कि अनंत चेतना ब्रह्मांड से ही हमारी चेतना जुड़ी हुई है, जो सृष्टि के ही सर्जन, पालन और विनाश का तत्व होती है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि वह मानव पुत्र ही है, जिसने ब्रह्मांड की इच्छा से हर एक आधुनिक यंत्रों का आविष्कार किया है। इस बात को हम भूल जाते हैं कि वह मानव पुत्र ही है, जिसने ब्रह्मांड की इच्छा से हर आधुनिक यंत्रों का आविष्कार किया है। मेरे प्रिय, अपने अस्तित्व को भूलने के कारण ही हम निराश, निराश, हताश और हारा हुआ महसूस करते हैं। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति
तुम्हें स्थायी खुशी प्रदान कर ही नहीं सकता है। इस दुनिया की कोई भी वस्तु तुम्हारे मन को स्थायी आनंद दे ही नहीं सकता है। यदि ऐसा होता तो तुम्हारे जन्म से अब तक बहुत सारे सपने तुमने पूरे किए हैं, सैकड़ों चीज़ें मांगी हैं, उनमें से कई चीज़ तो तुम्हें मिली भी है। क्या वह तुम्हें स्थायी खुशी दे पाई है? इसका अर्थ यही है कि स्थायी खुशी का स्रोत तुम्हारे ही अनाहत चक्र में छुपा हुआ है, जिसे हमारे सिवा कोई दूसरा खोज ही नहीं सकता। और इसे ढूंढने की यात्रा बाहर होती ही नहीं है, हमारे भीतर ही होती है। मेरे प्रिय, जब व्यक्ति अपनी असीमित संभावनाओं और असीमितता को भूल जाता है, तभी वह दुखी उदास होता है। इसीलिए तुम्हें अब स्वयं को पहचानना होगा। तुम्हारे लिए बहुत कुछ निर्मित किया गया है, जो तुम्हारी कल्पनाओं से भी बहुत बड़े बड़े हैं। तुम्हारे मार्ग में ना ही कोई विपत्ति है और ना ही कोई बाधा है, यह तुम स्वयं जान पाओगे। ईश्वर की अनंत है तुम, ईश्वर की संतान हो तुम, अनंत शक्तियों से संपूर्ण हो तुम। जो पहचान गया वह सदा के लिए सुखद हो गया, और जो नहीं पहचान पाया वह जीवन भर इधर उधर भटकता रह गया। तुम चिंता ना करो, तुम्हारे नाम के साथ जल्द ही सफलता का नाम चुनने जा रहा है, जो तुम्हें 10 गुना तुम्हारे अब तक का धैर्य का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। एक दौर ऐसा भी गुजरेगा तुम्हारे जीवन से, जहाँ पर तुम्हारा मन विचलित हो सकता था, तुम कोई गलत कदम उठा सकते थे, जहाँ तुम गलत निर्णय ले सकते थे, परंतु तुमने स्वयं को वहाँ पर भी संभाल लिया। मेरे बच्चे, फरिश्ते वाले दिव्य गुण तुम्हारे भीतर विद्यमान हैं, इसीलिए उस धैर्य का फल तुम्हें प्राप्त होगा। जानता हूँ तुम्हारी यात्रा साधारण नहीं थी, कई बार तुम्हारी परीक्षाएं ली गई है। मनुष्य को हर परीक्षा दी जाती है, परंतु इतना नहीं परखा जाता जितना तुम्हें परखा गया। ईश्वर ने तुम्हें परखा, इसीलिए परख के तुम हीरा बने हो। तुम अपने मूल्य को समझ नहीं पा रहे, मेरे प्रिय, बहुमूल्य हो तुम। आने वाले कुछ वर्ष ऐसे भी बीतेंगे तुम्हारे जीवन के कि अत्यंत कि तुम डूब जाओगे। भौतिक भर संसार का सुख प्राप्त करोगे, धन की प्रचुर मात्रा तुम्हारे ऊपर बरस पड़ेंगी। मन बहुत हर्षित रहेगा, कुछ ऐसे मित्र जीवन में जुड़ेंगे जो बहुत मूल्यवान तुम्हारे जीवन के लिए होंगे, जो सदा तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाएंगे। मेरे प्रिय, मैं एक ऊर्जा हूँ जो निरंतर साथ चलता हूँ, कभी तुम्हें कमी महसूस नहीं होने दूंगा जीवन में। कभी कोई भी रुकावटें नहीं आएंगे तुम्हारे मार्ग में। जिन चीज़ों की इच्छा रखोगे मन में, वह चीज तुम्हें स्वतः मिल जाएंगी। स्वयं ही आकर्षित करोगे तुम खुशियों को तुम्हारी तरफ। हर परिस्थितियां तुम स्वयं ही
उत्पन्न करने वाले हो, इसीलिए अच्छा सोचो, सुंदर सोचो और अच्छा आकर्षित करो। नियंत्रण रखो स्वयं पर। समय आने वाला है जहां तुम बहुत ज़्यादा चमकने वाले हो। तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। अंक 906 के साथ दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लिख दे, हाँ मैं तैयार हूँ। अगले दिव्य संदेश के लिए हमारी प्रतीक्षा करें। आरती पाठक चैनल को अभी सब्सक्राइब करके अपना पूरा पूरा हमें सहयोग दें। टाइप यस इफ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच।